क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लंदन के ओवल मैदान में खेला गया पहला वनडे मैच भारतीय टीम ने जीत लिया है। जीत क्या लिया, धमाकेदार अंदाज में अंग्रेजों को कुचल दिया, धो दिया, रुला दिया। पहले सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट कर दिया तो फिर बिना विकेट खोए 10 विकेट से बड़ी जीत भी हासिल कर ली। और अब इस बड़ी जीत के सबसे बड़े हीरो हैं जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने अंग्रेजों के आंसू निकाल दिए। और मैच के बाद खुद बुमराह ने चमत्कार की पूरी कहानी बताई कि कैसे बॉल उनके हाथ में आते ही चमत्कार हो गया, और बुमराह ने अपनी बॉलिंग का विकेट्स लेने का पूरा क्रेडिट शमी को दे दिया। तो क्या हुआ मैदान में, बुमराह ने क्या कहा और क्यों कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि बुमराह कितने बड़े बॉलर हैं, क्या उनके आसपास भी कोई टिकता है या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने अंग्रेजों के घर में घुसकर वो कारनामा किया जो कि रिकॉर्ड है, महारिकॉर्ड है, जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को व्हाइट बॉल क्रिकेट का बादशाह माना जाता है। लेकिन भारत ने पहले T20 मुकाबलों में और फिर यहां वनडे मैच में इंग्लैंड को धो दिया, उनका घमंड चकनाचूर कर दिया और बुरी तरह से अंग्रेजों को कुचल दिया। अब जो अंग्रेज टीम और उनके समर्थक 12वीं आर्मी कुछ दिन पहले नीदरलैंड्स को कुचल कर खुशी मना रहे थे, नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम की धज्जियां उड़ाकर खुद की पीठ थपथपा रहे थे, उनकी खुद धज्जियां यहां पर रोहित और उनकी टीम ने उड़ा दी है। जसप्रीत बुमराह ने अकेले दम पर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और फिर रोहित शर्मा ने धमाकेदार अंदाज बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली उनके घर के अंदर। भारत ने सिर्फ 110 रन पर अंग्रेजों को ढेर कर दिया, जिसमें बुमराह ने 6 विकेट लिए और साथ ही साथ मोहम्मद शमी ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद हिटमैन ने अकेले ही अंग्रेजों की बची खुची लंका में आग लगा दी। सिर्फ 18 ओवर में भारत ने टारगेट हासिल कर लिया और इसमें भी रोहित शर्मा ने अकेले 76 रन ठोक दिए और रोहित ने भी फॉर्म में धमाकेदार अंदाज में वापसी की है। अब इस मैच में वैसे तो सभी लोगों ने अच्छा खेल दिखाया, सभी खिलाड़ी अच्छा खेले, लेकिन मैच के असली हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। जी हां, बुमराह ने पहली बॉल से ही अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया और 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और फिर खुद बताया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे बुमराह ये कर पाए। तो मैच के बाद पहले प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बुमराह बोले और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जसप्रीत बुमराह आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने बहुत सारी बातें बताई। बुमराह ने बताया कि व्हाइट बॉल से इतनी ज्यादा स्विंग मिलती नहीं है, लेकिन मुझे पहली बॉल से स्विंग मिलने लगी थी और फिर मैंने इसका फायदा उठाने की सोची। बुमराह ने कहा कि जब मैं पहला ओवर करने आया तो तब शमी भाई एक ओवर कर चुके थे और शमी भाई ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही। बुमराह के मुताबिक शमी ने कहा, जस्सी पिच में जान है, बॉल भी हरकत कर रही है और आज अंग्रेजों को दो डालते हैं। जी हां, बुमराह ने खुद बताया कि पहला ओवर करने के बाद शमी ने उन्हें बताया था कि बॉल स्विंग हो रही है और फिर तो बुमराह ने अपना कमाल शुरू कर दिया और अपने पहले ही ओवर में धाकड़ जेसन राय को ढेर कर दिया। अब बुमराह ने बताया कि मुझे लग रहा था कि हम अगर जल्दी 3 या फिर 4 विकेट निकाल लेंगे तो इंग्लैंड 200 के आसपास रुक सकती है, लेकिन हमें मैदान में जो मिला वो हमारी हसरत से, हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जी हां, बुमराह ने कहा कि उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी बॉलिंग कर पाएंगे और इतनी जल्दी अंग्रेजों को समेट देंगे। इसके बाद तो एक के बाद एक अंग्रेजों के विकेट गिरते चले गए और 68 रन पर 8 विकेट आउट हो चुके थे। वो तो आखिरी 2 विकेट ने कुछ रन बना लिए, नहीं तो शर्मनाक ढंग से अंग्रेजों की टीम 100 रन भी नहीं ना पाती। बुमराह ने आगे बताया, शमी भाई ने मुझसे ज्यादा मेहनत की और उनकी बॉल भी मुझसे ज्यादा स्विंग हो रही थी और मैं अपने खेल का, अपने प्रदर्शन का क्रेडिट भी शमी भाई को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही पिच को पहले परखा था और मुझे पहली बॉल से ही पता चल गया कि करना क्या है, नहीं तो पहला ओवर तो पिच को समझने में निकल जाता है। बुमराह के मुताबिक शमी की वो सलाह और शमी की वो बातें मैच में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट का काम कर गई और यही बात टीम इंडिया को आगे भी लेकर गई। और उसके बाद तो शमी भाई और मेरी दोनों की बॉल शानदार स्विंग हुई और अंग्रेजों को आउट होने में देर नहीं लगी। बुमराह ने जेसन रॉय, जॉनी बैरस्टो, जो रूट, लिविंगस्टन और विली जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को आउट किया। जी हां, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को ढेर कर दिया और इंग्लैंड के खिलाफ भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी बन गए। बुमराह ने आशीष नेहरा का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब 2003 के वर्ल्ड कप में नेहरा जी ने 23 रन पर इंग्लैंड के 6 विकेट आउट किए थे और यहां पर बुमराह ने सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेट झटक लिए और इसमें भी 3 ओवर तो मिड रन कर डाले। तो कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अंग्रेजों को अकेले दम पर कुचल दिया, धो दिया और बुमराह फिलहाल अनडिस्प्यूटेड रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, जस्सी जैसा कोई नहीं। तो आपका बुमराह के इस प्रदर्शन पर, उनके बयान पर और बड़ा दिल दिखाकर शमी को क्रेडिट देने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया में लंबे समय से विराट कोहली के फॉर्म को लेकर बहस चल रही है, लेकिन सच तो ये है कि विराट कोहली भले ही अक्टूबर 2019 से शतक नहीं बना पाए हों, लेकिन रन वो लगातार बना रहे थे, 70-80 के आसपास रन, 50 से ज्यादा के स्कोर वो लगातार बना रहे थे। लेकिन इस बार हुए आईपीएल के बाद विराट कोहली का सबसे खराब दौर चल रहा है, और इस बेहद खराब दौर को अभी सिर्फ एक या डेढ़ सीरीज हुआ है, क्योंकि विराट कोहली आईपीएल के बाद सिर्फ इंग्लैंड सीरीज में ही खेल रहे हैं। लिहाजा विराट का फेल्योर बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता, लेकिन विराट को लेकर हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है, हर कोई सलाह दे रहा है कि विराट को टीम से बाहर करो, विराट की जगह इसे खिलाओ उसे खिलाओ, और अब वही टीम मैनेजमेंट ने कर भी दिखाया है। जी हाँ, कोच राहुल द्रविड़ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी ने विराट कोहली को टीम से बाहर कर दिया, और इसके लिए मैच से एक दिन पहले एक बहाना मीडिया में प्लॉट कर दिया गया, विराट कोहली को इंजर्ड बता दिया गया। जी हाँ, विराट कोहली को ग्रोइन इंजरी बताई गई है, और जिससे अब पूरा पूरा ग्राउंड बन गया है कि विराट कोहली को वनडे टीम से बाहर कर दिया जाए, ताकि कोई सवाल भी ना पूछे और कोई सवाल उठा भी ना पाए। और इंग्लैंड से पहले वनडे मैच से ठीक पहले लंदन से आई खबर है कि विराट कोहली को ग्रोइन की इंजरी हुई है और विराट कोहली वनडे मैच से बाहर हो गए। अब चोटिल तो कोई भी हो सकता है, इसमें बहाने की बात तब साफ साफ दिखती है जब एक दिन पहले विराट कोहली T20 मैच खेलते हैं, और यही नहीं लगातार दो दिन में दो मैच खेलते हैं, और तब विराट कोहली बिल्कुल फिट थे, मैदान में कहीं भी विराट को कोई दिक्कत नहीं दिखी थी, नहीं हुई थी, और ऊपर से विराट कोहली जितने फिट रहते हैं उस हिसाब से ग्रोइन की दिक्कत उन्हें संभव ही नहीं है। लिहाजा साफ साफ विराट कोहली को टीम से बाहर करने के लिए उन्हें ग्रोइन इंजरी का बहाना पकड़ा दिया गया है, और विराट को बेंच पर बैठा गया ये कहने की बात ना आए, और विराट कोहली के साथ फाइनली खेल कर दिया गया है, विराट को वनडे मैच से बाहर कर दिया गया। अब एक बड़े न्यूज चैनल पर खुद दिग्गज हरभजन सिंह ने हैरानी जताई है कि एक दिन पहले विराट कोहली बिल्कुल ठीक थे, मैच भी खेल रहे थे, तो अचानक वो कैसे एक दिन में चोटिल हो गए, और वो भी ग्रोइन की चोट जो कि साफ साफ दिख जाती है, और कम से कम हफ्ते भर पहले से ग्रोइन की समस्या आपको दिखने लगती है। अब हरभजन सिंह लंबे समय तक क्रिकेट खेले और वो जानते हैं कि ग्रोइन की समस्या कैसी है, कैसे उसमें दिक्कत होती है और कैसे वो साफ साफ दिख जाती है। हरभजन सिंह ने कहा कि अगर विराट कोहली चोट है और उन्हें चोट की वजह से बाहर किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर चोट का बहाना बनाकर विराट कोहली को बेंच पर बैठाया जा रहा है तो ये अन्याय है, क्योंकि वो सिर्फ दो सीरीज में ही खराब खेला, और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी फॉर्म में वापसी के लिए कुछ मैच पाने की हैसियत रखता है, उसे कुछ मैच मिलने ही चाहिए, और खास तौर पर जिस वनडे फॉर्मेट को विराट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उस फॉर्मेट में विराट को मैच मिलने ही चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को इस पर सामने आकर बात करनी चाहिए, बीसीसीआई को बताना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े और महान खिलाड़ी को आप ऐसे बेंच पर बैठा नहीं सकते। अगर आपको विराट को नहीं खिलाना है तो टीम में सेलेक्ट मत कीजिए, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद बेंच पर बिठाना विराट कोहली का, उनकी महानता का और क्रिकेट के खेल का भी अपमान है, तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो दिख रहा है उसके मुताबिक तो विराट कोहली के साथ खेल हो गया है, उन्हें बाहर करने के लिए चोट का बहाना बनाया गया है, और अब देखना है कि टीम मैनेजमेंट का इस पर क्या पक्ष आता है, बीसीसीआई क्या कहता है। तो आपका क्या मानना है, क्या विराट कोहली को ऐसे बीच सीरीज में बेंच पर बैठाना ठीक है, क्या विराट कोहली तीन वनडे मैच भी डिजर्व नहीं करते, इतने बड़े खिलाड़ी भी नहीं है विराट कोहली। कमेंट करके आप ये जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।